खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी संपर्क करें 9925046607। खरगोन जिले में धूलकोट से जूना बिलवा की 8 किलोमीटर की सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है, जिसका विरोध दर्ज करवाने के बाद एसडीएम मिलिंद ढोके प्रशासन महकमे के साथ पीड़ितों के बीच पहुंचे और सड़क की समस्या देखकर समस्या से जल्द निजात दिलाने की बात कही। बता दें, खारक बांध का निर्माण होने के बाद भी अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया, रोड नहीं होने से प्रसव पीड़ा के दौरान हमेशा जान जोखिम का खतरा बना रहता है और ऐसे में कच्ची सड़क निर्माण की बजाय पक्का निर्माण कार्य किया जाए ताकि आने वाले समय में समस्या से निजात मिल सके। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। के अधिकारी आए थे आपके रोड की समस्या को लेकर, क्या आपने मांग करी? हमारी ये मांग थी कि हमारे रोड कम से कम, हमारे प्रॉपर धुनकोट से दो विधायक निकले, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और तीसरा विधायक अभी खरगोन में केदार डावर बैठा है, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने एक दो रोज पहले हमारे गांव से 2-3 डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आ नहीं पाई, और समय पर एम्बुलेंस नहीं आने और समय पर दवाखाने में नहीं पहुँचने से जो डिलीवरी बॉय थी उसके दो बच्चे गर्भ में शांत हो गए। तो इसी वजह से हम आज खरगोन कलेक्टर ऑफिस को जा रहे थे, कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर को अवगत कराया कि हमारा रोड क्यों नहीं बन रहा। तो एसडीएम साहब को संदेश हो गया कि ये खारक डैम से, जूना बिलवा से जितने भी रोड की समस्या लेकर आ रहे, इनकी समस्या को हम घर जाके सुलझे। हमने कहा भाई, हम घर आने से समस्या नहीं होगी, हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और कलेक्टर के हाथ में ही ज्ञापन देंगे। लेकिन एसडीएम साहब का कहना है कि मैं हर समस्या मैं करता हूँ और जो मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराता हूँ वही काम होता है, और मैं बोलूँगा जब भी रोड का काम होगा तो मैं ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, रोड देखूँगा और समस्या का हल करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। अभी बोला है कि 2 दिन में मैं मुरुंग डलवा दूँगा, बाकी जो भी है रोड आगे बढ़ना है उसके लिए प्रोसेस देखेंगे कितना क्या बजट है, उसके बाद में हम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। पक्की सड़क का आश्वासन, पक्की सड़क के लिए उन्होंने अभी भी आश्वासन नहीं दिया है। हम आगे चाहते हैं अगर पक्की सड़क रोड नहीं बना तो हम रोड जाम करेंगे, कलेक्टर ऑफिस घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे। ये हमारी मांग। आपका नाम? मेरा नाम बलिराम सोलंकी। ये देखो, जैसे सबको विदित है कि धूलकोट से ये खारक डैम तक जो पूर्व की सड़क थी, जिस सड़क से इस डैम का निर्माण हुआ था, वो बहुत ख़राब हो गई। वास्तव में आने जाने में बहुत उसमें तकलीफ है। उसी विषय को लेकर ग्राम वालों का फ़ोन भी आया था, ज्ञापन भी उन्होंने दिया था, उसी को लेकर यहाँ पर आए थे जिला पंचायत के सीओ साहब, वो WRD और PMGSY सारे अधिकारी थे। अब इसमें जो बेहतर जितना जल्दी हो सकते हैं उसको करवाने की कोशिश करेंगे। अभी 1-2 दिन में अभी मुरुम डलवाने का काम शुरू करवा रहे हैं ग्रामीण स्तर से, मतलब ग्राम पंचायत से, फिर PMGSY का एक प्रपोजल भेज 7 या 8 मीटर की सड़क का उसको कार्रवाई आगे करने के लिए कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।